हमारे पास क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ए फिनिश ए वर्क इन 2 डेज एंड बी फिनिश द सेम वर्क इन 3 डेज। तो आप ये बताइए कि ए एंड बी टुगेदर फिनिश द सेम वर्क, सेम वर्क दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, इन हाउ मेनी डेज, ये हमारे पास। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये होता। सर आप यहाँ प्लीज ना बोले, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर इसका छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसका आंसर कहूँ तो आंसर सिर्फ इतना सा है, 2 × 3/2 + 3, 6/5 days, या 1:1/5 कह सकते हो, या 1.2 days समथिंग इस तरह से आप कह सकते हो। तो आंसर तो सिर्फ इतना सा है, बट ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया वो हम समझेंगे। तो होता क्या है असल में, अगर आप ये कह रहे हो कि ए किसी काम को 3 days में करता है और बी उसी काम को 2 दिन में करता है, अब वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे, तो एकदम से तो फ्लो में तो हम कह सकते हैं 2 + 3 5 days। एक तो चीज ये है एकदम से कि भाई ए 3 दिन में बी 2 दिन में दोनों मिलेंगे तो 5 दिन लगेंगे साहब, बट ये अपने आप में गलत है। हेलो हेलो हेलो, यस सर। जैनुल, अभी ऑफिस में हो? जी सर, वो अर्जुन कहाँ है यही पे है भाई, कुछ गेस्ट आए होंगे, कुछ अभी। यहाँ पर नहीं, अच्छा लोग आए होंगे, देखो जरा। नहीं, अभी 2 मिनट पहले 2 लोग आए थे, वो क्लास है ना। हाँ हाँ सर, यस सर, उन्हें क्लास है। पानी ठीक पिलवाइए, चाय पिलवाइए, बिठवाइए, ठीक है जी, है। हाँ सर, तो हमारे पास ये है, लेकिन अगर सेंस की हम बात करें सर, अगर एक आदमी 2 दिन में कर रहा है तो 2 आदमी मिलके तो कम टाइम लगना चाहिए, 2 से कम लगेगा, एक को 3 दिन लग रहे हैं, एक को 2, तो जिसको कम लग रहे हैं उससे भी कम टाइम, जैसे हमारा आंसर आया 1 and 1/5 days लाइक दिस, तो इस तरह का आंसर आना चाहिए। तो होता क्या है, हम वर्क एंड टाइम में डेज को डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते, तो फिर कैसे ऐड करते हैं, हम ये देखते हैं सर कि हो एक्चुअली क्या है, जब आपको पूरा टाइम पता है तो यहाँ पे आप प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको 1 वर्क का टाइम पता है, 1 वर्क फिनिश इन 3 डेज, तो आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो 1 day work, 1 day work, तो जाहिर सी बात है 1 day work 1/3 हो जाएगा, यस और नो। अगर एक आदमी एक काम को 3 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में वो कितना काम कर रहा है, 1/3 होगा या नहीं होगा। इफ ए पर्सन फिनिश ए जॉब इन 3 डेज देन इन 1 day कितना वो वर्क कर रहा है, ये सपोज करो हमारे पास काम है, द पूरी हॉल वॉल है, मैं पेंट करना है, तो सीधी सी बात है अगर इसने 3 दिन में किया तो हुआ क्या होगा, 1 दिन में इतना किया होगा, दूसरे दिन में इतना किया होगा, तीसरे दिन फिनिश किया होगा, और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि भाई इक्वल कर रहा है, एफिशिएंसी इक्वल है, तो 1/3 1/3 1/3, पहले दिन 1/3, दूसरे दिन 2/3 हो गया, तीसरे दिन 3/3 1 कंप्लीट हो गया, तो ये हमारे पास काम होता है। तो होता क्या है, अगर आपको 1 वर्क पता है इन 3 डेज तो फिर आपको 1 day work पता है 1/3, दे आर जस्ट रेसिप्रोकल। अगर मैं कहूं कि एक आदमी 1 दिन में 1/10 work करता है तो फिर आप 1 वर्क निकाल सकते हैं 1/10 का रेसिप्रोकल। तो ये बस कॉन्सेप्ट है कि डेज और वर्क जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आपको 1 वर्क का टाइम पता है तो फिर 1 day का भी आपको वर्क पता है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास ए किसी वर्क को 3 days में कर रहा है
ए 3 डेज में कर रहा है तो 1 डे वर्क हो गया 1/3, 1/3, 1/3, और बी उसी काम को 2 डेज में कर रहा है, सेम वर्क, तो मैंने सेम लेंथ की बॉल ले ली। तो सपोज करो ये होगा कि सर 1/2, 1/2, बी उसी काम को 2 डेज में कर रहे हैं। अब दोनों ने मिलके काम किया है, तो ये वॉल है और इस पे दोनों काम कर रहे हैं। तो जब दोनों काम कर रहे हैं तो ए ने 1 दिन में 1/3 कर दिया होगा, और उसी के साथ जो है बी भी इन्वॉल्व है, तो बी ने उसी दिन में 1/2 वर्क फिनिश कर दिया होगा। तो ए और बी का जो काम हो गया 1 डे वर्क, ए और बी का 1 डे वर्क, तो हम डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते 2+3, लेकिन 1 डे वर्क को ऐड कर सकते हैं, दैट इज 1/3 + 1/2। आप एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6, 2+3 5/6। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था, वर्क एंड टाइम जो है हमारे पास रेसिप्रोकल है। तो अगर आपको 1 डे का वर्क पता है कि 1 डे वर्क इज 5/6 वर्क, तो मैं आपसे कहूं 1 वर्क के लिए कितना टाइम लगेगा, 5/6 का रेसिप्रोकल, तो 6/5 डेज। सब बच्चे बताओ ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई या नहीं आई, आप खुद देख लीजिए। 1 दिन में हमारा इतना काम फिनिश हो चुका है, अगले दिन सिर्फ इतना सा काम बचा है, तो 1 डे में 5/6 वर्क हो रहा है, तो 1 वर्क में 6/5 डेज लगेंगे। हाँ जी सर, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत या नहीं आया? जी सर। क्या हुआ, थक गए क्या आप लोग? लंच करना है, डिनर करना है, चाय वाय पीनी है तो बताओ, मैं फ्री करूं आप लोगों को, फिर थोड़ी देर बाद शुरू करूं। नमाज नहीं पढ़ी हो तो ये बताओ, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग फ्री हो गए थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो मैं 8 बजे क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि कोई रेस्पॉन्स नहीं आप लोगों से, क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं, सुन बेटे क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं पता चलेगा ना बेटे। बोलो, कुछ चाय वाय भी नहीं है क्या, अभी क्लास ले रहे थे शायद आप? फ्री करूं 15-20 मिनट के लिए? हाँ जी, क्या हुआ बताओ ना, इशू क्या है? आवाज नहीं आ रही है। हमारे पास क्या है, अब हम इसी 2 पे ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि अगर हमारे पास ए किसी वर्क को, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, एक्स डेज में फिनिश कर रहा है और बी उसी वर्क को वाई डेज में फिनिश कर रहा है, तो दोनों का 1 डे वर्क, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला आएगा, ए प्लस बी 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। या पहले मैं इसकी बात करूं, ए फिनिश इन एक्स डेज, तो ए का 1 डे वर्क ये हो जाएगा 1/x, और बी का 1 डे वर्क ये हो जाएगा 1/y। तो दोनों का 1 डे वर्क, ए प्लस बी का 1 डे वर्क ये हो जाएगा 1/x + 1/y। आप लेंगे एलसीएम एक्स वाई, ऊपर आएगा वाई प्लस एक्स, तो वाई प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस वाई लिखो, बात एक ही रहती है, तो x + y / xy। लेकिन ये जो आया है ये 1 डे वर्क आया है। अगर आपको 1 वर्क निकालना है तो आपको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो बस यही फॉर्मूला है। तो a प्लस बी का, ठीक है, 1 वर्क जो होगा वो एक्स वाई रेसिप्रोकल xy/x + y डेज में होगा। तो इतना सा याद रखना है, मतलब अगर a x डेज में कर रहा है, बी वाई डेज में कर रहा है, देन ए एंड बी दोनों xy/x + y डेज में करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर ये हमारा फॉर्मूला है तो अभी हम क्या कह रहे थे, ए 2 डेज में कर रहा है, बी 3 डेज में कर रहा है, तो ए एंड बी एक्स वाई यानी कि 2 3, एक्स प्लस वाई यानी कि 2+3, 6/5 डेज में करेगा, ये आंसर। समझ में आया या नहीं आया? जी सर। यस सर। यस सर। तो ये हमारे पास है। अब इसी तरीके से बेटे यहाँ पे 2 persons इन्वॉल्व हैं। अगर आपसे कह दे कि नहीं सर, ए फिनिश कर रहा है एक्स डेज में, बी फिनिश कर रहा है वाई डेज में, सी फिनिश कर रहा है जेड डेज में, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क ले लेते हैं। 1 डे वर्क क्या होगा बेटे, 1/x, 1/y,
वन अपॉन जेड, क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया अगर ए एक्स डेज में कर रहा है तो वन डे वर्क वन अपॉन एक्स, बी का वन डे वर्क वन अपॉन वाई, सी का वन डे वर्क वन अपॉन जेड, ये हमारे पास होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, वन डे वर्क को, वन डे वर्क को सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम आप लोगे एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ एक्स है तो ऊपर आएगा वाई जेड, और फिर यहाँ वाई है तो ऊपर आएगा एक्स जेड, और यहाँ जेड है तो यहाँ आएगा एक्स वाई, तो ये हमारे पास ऊपर आएगा। इसको अगर मैं ऑर्डर में लिखूं जिससे कि हमें समझ में आता हो, तो ऑर्डर हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड, लेकिन ये वन डे वर्क है, वन डे वर्क। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा वन वर्क क्या हो जाएगा? सर रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या होगा? एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, सिंपल, कुछ भी नहीं सोचना है। मतलब अब अगर मैं आपसे कहूं बेटे कि भाई मेरे पास क्या है, ए किसी वर्क को 3 डेज में फिनिश कर रहा है, बी उसी वर्क को 4 डेज में कर रहा है, सी उसी वर्क को 5 डेज में कर रहा है, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो हमने क्या कहा, एक्स वाई जेड 3 × 4 × 5 अपॉन एक्स वाई, एक्स वाई क्या होगा सर, एक्स वाई होगा 3 × 4, वाई जेड क्या होगा सर 4 × 5, फिर आपके पास क्या होगा 5 × 3, ये आंसर होगा। तो 3 × 4 = 12, 5 = 60 अपॉन 3 × 4 = 12 एंड 5 × 4 = 20, 32 एंड 5 × 3 = 15, 32 × 15 = 47, ये आपका आंसर। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो 2 वाले भी हो गए, 3 वाले भी हो गए। अब इस पे देखो सीधे सीधे से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं, ओहो कल मैंने एक एमबीए की वीडियो डाली है, ठीक है, लास्ट 4 ईयर के क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करें, एक तरह से क्वेश्चंस तो नहीं कहिए एनालिसिस कहिए, तो उसको देख सकते हैं जो एमबीए वाले स्पेशली पीजी वाले बच्चे हैं। आज कोशिश करूंगा यूजी की भी एक वीडियो, इंशाल्लाह मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, आपके ग्रुप में याद ही नहीं रहा मुझे शेयर करना। ये देखो कितना सा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे। अच्छा ये अब एक और आ गया, चलो इसको भी समझ लेते हैं। आपसे कह रहा है ए एंड बी, एक टॉपिक ये भी आ गया, इसको भी समझ ही लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज, सी एंड ए 20 डेज, इफ ए बी सी वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क। तो कभी कभी दो दो का जोड़ा देता है, तो दो दो का जोड़ा समझ लीजिए होगा क्या, कहाँ से आ रहा है वो भी सीख लेते हैं कि भाई ए और बी दोनों मिलके 12 डेज में कर रहे हैं, ठीक है, और बी और सी दोनों मिलके 15 डेज में कर रहे हैं, और ए और सी मिलके 20 डेज में कर रहे हैं। और कब अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो आपको अप्रोच भी याद आनी चाहिए। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई ए बी सी, यहाँ पे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अकेला ए अकेला बी अकेला सी, तो यहाँ से वो भी निकल जाएगा कि भाई मान लो ए अकेला एक्स डेज में कर रहा है, बी अकेला वाई डेज में कर रहा है, सी अकेला जेड डेज में कर रहा है। तो अब मुझे बताओ ए का एक दिन का वर्क कितना होगा, बताइए, ए प्लस बी 12 डेज में कर रहे हैं और ए अकेला उस वर्क को एक्स डेज में करता है, तो ए का वन डे वर्क कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड? हाँ भाई ऐसे नहीं, चलो देखो ए प्लस बी दोनों मिलके 12 डेज में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वन डे वर्क की, वन डे वर्क, तो वन डे वर्क ए का वन अपॉन एक्स हो जाएगा या नहीं? जी सर, है ना, और बी का, और बी का वन अपॉन वाई हो जाएगा, यस और नो? जी सर, ठीक है, तो दोनों का हो गया 1/12, यस और नो, ये वाली बात बताओ बस, क्योंकि दोनों मिलके 12 डेज में कर रहे थे तो दोनों का एक साथ 1/x + 1/y 1/12 हो जाएगा, आ गया समझ में? ठीक है, अब इसी तरह से बेटे हमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी है 15 डेज, आपने कहा है बी और सी का, बी का है 1/y और सी का है 1/z और दोनों का है 1/15, यस और नो? समझ में आ गया? अब ए और सी बेटे, ए और सी दिया हुआ है 20 डेज, मैं अभी इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा लास्ट में, तो हम तो अप्रोच कर रहे हैं कि फॉर्मूला कैसा, ए होता है बेटे 1/x और सी हो गया बेटे 1/z और दोनों का हो गया 1/20, सब बच्चे बताओ समझ में आया? यस सर, ठीक है बेटे,
अब अगर बेटे तीनों का एक साथ लेंगे तो तीनों को ऐड कर दीजिए। अब जरा सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी भी समझ में आ रही है। जब मैं इनको लेफ्ट साइड वालों को ऐड करूंगा, मतलब किसको ऐड कर रहा हूँ ध्यान से देख लीजिए, ये 1/x, 1/y, 1/z इन तीनों को ऐड करूंगा, तो क्या आप देख पा रहे हो कि 1/x 2 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है ना जी, और 1/y भी 2 टाइम आ रहा है और 1/z भी 2 टाइम आ रहा है। तो बेटे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 लिखने से अच्छा है 2, तो ये आ जाएगा 1/x, 1/y, 1/z आ गया समझ में। और इधर क्या आएगा बेटे, 1/12 + 1/15 और ये हमारे पास क्या आ गया बेटे, 1/20। समझ में आ गया, तो हम ले लेंगे LCM ऐसे 12, 15, 20 जो भी आप मिस करो 60 LCM आएगा। तो 12 से हमारे पास क्या आएगा, 12 से 5 आ जाएगा, 15 से 4 आ जाएगा और 20 से 3 आ जाएगा। तो होगा क्या, ये जो 2 है ये नीचे आएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/x + 1/y + 1/z इन तीनों का हमारे पास आ जाएगा 5, 4, 9, 3, 12, 12/60 और 2 भी नीचे आ गया। तो ये क्या आया बेटे, ये आया है वन डे वर्क, क्या आया ये तीनों का वन डे वर्क। तो अगर तीनों का एक साथ वर्क निकालूं तो क्या करूं, रेसिप्रोकल, तो वन वर्क आ जाएगा बेटे, 12 से तो वैसे भी ये कैंसिल हो रहा था 5, तो 1/10 आ रहा था, तो 1/10 की जगह क्या आ जाएगा 10/1 यानी कि 10 डेज। ठीक है, अब इसको वैसे सोचो, अब इसको वैसे सोचो फॉर्मूले की फॉर्म में कि अगर ए प्लस बी दोनों एक्स डेज में कर रहे हैं, बी प्लस सी दोनों वाई डेज में कर रहे हैं, ए प्लस सी दोनों जेड डेज में कर रहे हैं। जी सर, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम जी, मैं आ रहा हूँ, बस मुझे 5 मिनट और दीजिए, उसमें क्लास में था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जल्दी आ जाओगे, मैं आ रहा हूँ जी। चाय ली है, नहीं ली, हेलो शरफ चाय बनवा दी थी ना। हाँ भाई, ए बी एक्स डेज में, बी सी वाई डेज में, ए सी जेड डेज में बेटे। तो अगर मैं इसको ऐसे कंसिडर करूं कि भाई ए का वन डे वर्क और बी का वन डे वर्क 1/x, बी का वन डे वर्क और सी का वन डे वर्क 1/y, और ए का वन डे वर्क और सी का वन डे वर्क 1/z, तो फिर वही जो हमने किया था बेटे, ये लेफ्ट साइड वाला 2 टाइम आ जाएगा, तो 1/a + 1/ ये फॉर्मूला बना रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास आएगा 1/x + 1/y + 1/z LCM आएगा बेटे XYZ, ऊपर आएगा YZ ZX XY ऐसे। ठीक है, अभी रुकिए 2 मिनट। तो 1/a + 1/b + 1/c 2 से डिवाइड कर दी, मतलब 2 को यहाँ ले जाइए बेटे, तो ये हमारे पास आएगा, ये फॉर्मूला आ गया, 1/a + 1/b + 1/c is XYYZ ZX / 2XYZ। लेकिन ये जो बेटे आया है ये वन डे वर्क आया, तो वन वर्क के लिए सीधा सीधा सा फॉर्मूला हो गया बेटे, वन वर्क के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, 2XYZ / XY + YZ + ZX। सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, पहले वाला जो ABC वाला है बेटे, जिसमें एक एक का दिया होता है, उसमें होता है XYZ, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो हमने बताया था, ये है XYZ XY + YZ + ZX। लेकिन जब AB BC AC दो दो बार दिया होता है तो वहां 2 भी आता है, बस इतना सा ध्यान रखना। अब अगर आपने ये फॉर्मूला सीख लिया तो अब जरा एक क्वेश्चन देख लीजिए, बस ये सिंपल, ये वाला क्वेश्चन कितना इजी है अगर आपने फॉर्मूला सीख लिया। आपसे कह रहा है AB can do in 12 days, सब बच्चे प्लीज, बस AB can do in 12 days, BC can do in 15 days एंड AC can do in 20 days, तीनों मिलके कितना। तो आंसर है बेटे 2XYZ / प्लीज ध्यान से देख लीजिए, XY
y z and z x. समझ में आया सबको या नहीं आया? जी सर. इतना सा है, ठीक है. अब इसको जितने से सॉल्व कर लो. अब सर आप सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए नीचे कैसे सॉल्व करेंगे. भाई 12 इंटू 15 है, 15 इंटू 20 है, 12 इंटू 20 है. तो आप क्या कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? मान लीजिए मैं कह दूं 15 और 20 और 20 में से क्या कॉमन है? 5, ठीक है. अच्छा, दूसरा मुझे बताओ सब बच्चे कि भाई 12 और 15 और 12 में से क्या कॉमन है? 3. तो जरा ध्यान से देखो, जो मैंने ब्लैक सर्किल करे हैं तो उसमें से आएगा 4, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, और मैंने 5 कॉमन लिया था. तो अगर मैंने 5 कॉमन लिया था तो यहाँ मेरे, ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा. तो यहाँ आएगा मेरे पास 3, और यहाँ मेरे पास आएगा 4, और यहाँ मेरे पास आएगा 4. तो ये मेरे पास बचेगा. तो जरा ऊपर देखो क्या इतना ही लिखना भी है. तो ऊपर अगर आप चेक करोगे 5 3 15 से 15 कैंसिल. यस और नो? जी सर. नीचे फिर हमारे पास क्या बचा? 4 3 12 और 20, 12 और 20 32, 32 और 16 कितना हो गया बेटे? 48. तो क्या ऊपर 12 2 जा 24 है, और क्या 2 से 10 कट जाएगा? यस और नो? तो आंसर कितना आया? तो पहले हमारा आंसर कितना आ रहा था? मैंने पहले भी सॉल्व किया इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से. 10. कितना आया था? 10. दैट्स इट. तो ये सिंपलीफिकेशन है दो लाइन में. आ रहा है समझ में? चलो एक क्वेश्चन करके देखो जल्दी से. कितने में देखूं, एक साहब खड़े हैं उनसे बात करूं. आप लोग प्लीज जल्दी से फटाक से करके देखना, तेज स्पीड के साथ सब बच्चे. ये लो, चलो शाबाश, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, आंसर दो बहुत जल्दी से तेजी के साथ. स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाना चाहिए. जैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी इन 72 डेज, बी सी 120 डेज, ए सी 90 डेज. तो 2-2 वाला है. तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया 2xyz/xy+yz+zx, ये हमारे पास है. तो 2xyz/, अब यहाँ कैलकुलेशन में आपको टाइम बचाना है. x इंटू वाई 72 इंटू 120, 120 इंटू 90, एंड 90 इंटू हमारे पास आ जाएगा 72. इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसमें आप कोशिश करो कि क्या आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है भाई. तो हमारे पास क्या है, जैसा मैं आपसे कहूं कि भाई ये 120 है और ये 120 ले लीजिए चलिए, और ये हमारे पास 90 है. चलो इसमें से कॉमन ले लेते हैं. तो 120 120 90 में से क्या कॉमन लें? क्या हम 30 कॉमन ले सकते हैं? अगर 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 4, फिर प्लस यहाँ आएगा 4, ठीक है, और यहाँ आएगा 3. यस और नो? ठीक है. अब हमारे पास रह गया बेटे 72, और ये रह गया हमारे पास 90, और ये रह गया 72. तो 72 90 और 72 में से क्या मैं 18 कॉमन ले लूं, जो आपको छोटा सा समझ में आ जाए? तो 18 4 जा 72 होता है, तो यहाँ से 4 आएगा, और 18 5 जा 90 होता है, तो यहाँ से 5 आएगा, और यहाँ से 18 4 जा 72 आता है, यहाँ से 4 आएगा. समझ में आ रहा है क्या मैं क्या लिख रहा हूँ? ठीक है. अब देखो, बस हमने इतनी लाइन लिखी है, तो अब कैंसिल करो ऊपर नीचे. 18 से बेटे ऊपर से 18 से 72 4 टाइम्स कैंसिल होगा. कितने टाइम? 4 टाइम कैंसिल होगा 18 से 72, ठीक है. और हमारे पास क्या है, 30 से हमारा 90 कितने टाइम कैंसिल होगा? 3 बार. वेरी वेरी गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. अब हमारे पास नीछे क्या बचा? छोड़ दो, कोई बात, छोड़ दो. अब हमारे पास नीचे ब्रैकेट में क्या बचा? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 36, एंड 3 4 जा 12, तो बचा 48. कितना बचा बेटे? 48. अब जरा चेक करो क्या क्या बचा हुआ है मेरे पास ऊपर. 2 4 जा 8, 3 जा 24, तो 24 से ये 2 टाइम कैंसिल, और 2 से 120 कितने टाइम कैंसिल भाई? ये आंसर है सर. आ गया समझ में? जी. तो ये हमारे पास होता है. अगर आपको 2% दे रहा है, हमारे 3% दे रहा है, दो दो का पेयर दे रहा है. अब इसमें एक क्वेश्चन ये बचता है इस वाले में कि ए अगर अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा. ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, इसी में समझ लेते हैं. मतलब हमसे क्या कह रहा है बेटे,
क्वेश्चन में ये आ गया कि ए और बी 72 डेज में कर रहे हैं और बी और सी मिलके बेटे 120 डेज में कर रहे हैं और ए एंड सी मिलके बेटे आपके 90 डेज में कर रहे हैं और आपने जो फाइंड कर लिया है वो ये कर लिया है कि ए और बी और सी जो है वो 60 डेज में कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हो कि नहीं मुझे तो ये बताओ कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा, ये बताओ। तो बताओ कौन सा बच्चा बताएगा मुझे कि ए अकेला कितने दिन में करेगा ए का वर्क। ए वर्क कितने दिन में होगा कोई बता सकता है? नहीं आ रहा समझ में? नहीं तो दो चीजें हैं बेटे, एक तो चीज ये है अगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चलें, कॉन्सेप्ट के साथ क्या चलें, आपको कम से कम वन डे का वर्क पता है, ए और बी का अगर वन डे वर्क लिखूं तो आपको पता होना चाहिए कि 1/a + 1/b = 72 है, यस और नो सब बच्चे बताओ। बी और सी का 1/b, 1/c, 1/20 है, 120, और सी और ए का 1/a + 1/c = 90 है और तीनों का बेटे 1/a + 1/b + 1/c बेटे 1/60 है। अब आप खुद सोचो जो सबसे नीचे वाला इक्वेशन है उसमें तीनों होते हैं तो इसमें से अगर आप ए और सी को माइनस करोगे तो कौन बचेगा बताइए। अगर इस वाले इक्वेशन में से ये सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है, तो फोर्थ में से अगर थर्ड माइनस करोगे तो कौन कौन कैंसिल हो जाएंगे? ए और सी। तो बचेगा कौन? बी। वेरी गुड। तो यहाँ से आपको बी मिल सकता है, क्या मिल सकता है? बी। लेकिन अगर आप थर्ड में से बेटे टू माइनस करोगे तो कौन कौन कैंसिल होंगे? बी और सी। तो मिलेगा सी, ए मिलेगा, और अगर आप फर्स्ट को माइनस करोगे तो सी मिलेगा, यस और नो? जी 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 सर। ठीक है बेटे, जरा इसको सॉल्व करो, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट दो बेटे, आप वैल्यू निकालने की कोशिश करो इसको। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि भाई अगर ए और बी एक्स डेज में कर रहा है, बी और सी वाई डेज में कर रहा है और सी जेड डेज में कर रहा है, तीनों मिलके आर डेज में कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल वर्क निकालने के लिए तीनों में से माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिए, अगर आप ए बी को माइनस करोगे ए और प्लस बी को तो सी का वर्क निकल के आएगा। तो हमारे पास न्यूमेरिकली मैंने अभी आपसे कहा x ज्यादा होगा r कम होगा तो ऊपर तो आएगा LCM, अगर मुझे अब किसका निकालना है c का तो ऊपर तो आना है LCM xr और नीचे करना है माइनस x माइनस r। अब अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से a और c को माइनस कर दूं तो मेरे पास b का वर्क आएगा, तो b का वर्क क्या आएगा फिर वही ऊपर तो LCM आना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा ऊपर आएगा zr और नीचे करिए माइनस z माइनस r। तो ये आंसर है जैसा अभी ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे थे, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। अब सेकंड लगेगा, ए प्लस बी 72 डेज में करता है, बी प्लस सी 120 डेज में करता है, ए प्लस सी 90 डेज में करता है, ए प्लस बी प्लस सी 60 डेज में करता है और मुझे ए का वर्क निकालना है तो ए का वर्क निकालने के लिए बी और सी को माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे अगर ए का वर्क चाहिए तो ऊपर तो एलसीएम आएगा, एलसीएम का मतलब 60 × 120 और नीचे इनका डिफरेंस आएगा। अब डिफरेंस हमेशा ज्यादा वाले में से कम को ही माइनस करोगे आप, 120 में से 60 माइनस 60 में से 120 तो करने से रहे, 120 माइनस 60 ये आंसर होगा। बताओ 120 माइनस 60 कितना होता है? 60 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60, तो 60 से 60 कैंसिल, तो ए अकेला 120 डेज में करेगा। अगर आपको मान लीजिए अब बी निकालना है तो बी निकालने के लिए आपको ए और सी माइनस करना पड़ेगा, तो B निकालने के लिए इन दोनों का LCM 90 और 60 का, तो LCM आएगा 90 60, सर वो 180 आएगा। कौन सा बेटे? B वाला, मतलब मैंने सॉल्व करके देखा था शायद। कितना आ रहा है हमारे पास? 180 आया है मेरा तो, तब पता कैसे? नहीं मैंने ना जो जो थर्ड वाली जो फोर्थ वाली इक्वेशन थी
उससे मैंने मतलब ऊपर वाली को देख के फिर उसमें लगा लगा के निकाले थे तो सही है ना. हमारे पास थर्ड में तो आप ज़्यादा राइट साइड देखो, ए बी सी कितने डेज में आ रहा है? 1/60 और बी सी कितना आ रहा है? 1/20. तो अब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 4 4 - 2 हम करेंगे तो राइट साइड लेफ्ट साइड हमारे पास बचेगा 1/a और दूसरी साइड हमारे पास क्या बचेगा? 1/60 - 1/120. यस और नो? जी सर. तो बस ये आएगा तो एलसीएम क्या लोगे आप? ध्यान से देखो 60 × 120. नहीं अगर मैं वैसे ही ले लूं तो 120 - 60 होगा या नहीं होगा? जी सर. बताओ 120 - 60 क्या होता है बेटे? तो 60 से 60 कैंसिल. तो क्या बचा बेटे? 120. That's it. आगे समझ में? जी अब sir. अब अगर हमें बी चाहिए तो ए सी को माइनस करना पड़ेगा. 90 × 60 and 90 - 60. तो 90 - 60 क्या हुआ? 30. 30 से कितना आएगा? 2. 90 × 2 = 180. बी का 180 आ रहा होगा बेटे. जी सर. जी सर. आगे समझ में? तो ए का तो आएगा 120 और बी का आएगा बेटे 180. अब सी का अगर निकालना है तो किसको माइनस करूं? ए और बी को. किसको माइनस करूं? 1/72. तो इनका एलसीएम आएगा बेटे 60 × 72 एंड माइनस करिए 72 - 60. 72 - 60 12 होता है. 12 5 जा तो 72 × 5 समथिंग. समझ में आया या नहीं आया सब बच्चों को? भाई सब बच्चों को समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? जी सर. एक क्वेश्चन देखो सब बच्चे. चलो एक क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अलग सा आ रहा है. इसे देखो इसमें क्या कह रहा है. ओफो, ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं अगर आप देखेंगे तो. अब ये ए बी सी वाले जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप कर सकते हैं. अभी एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आ रहा है, देखो जरा क्या कह रहा है. हमसे क्या कह रहा है? पर्टिकुलर जॉब कैन बी कम्प्लीटेड बाई ए टीम ऑफ 10 men इन 12 days. द सेम जॉब कैन बी कम्प्लीटेड बाई ए टीम ऑफ 10 women इन 6 days. How many days are needed to complete the job if the two team work together? कौन बताएगा? सब बच्चे बताइए जल्दी से फटाफट. How many days are needed to complete the job if the two teams work together? दोनों मिलके काम कर रहे हैं. जी बेटे बताइए. सर इसमें 10 men = 12 days, 10 women = 6 days. सर वो both work कर देंगे दोनों को मिला. 12 × 6 / 12 + 6. 12 × 6 / 12 + 6 = 72 / 18. सर 4 days. ठीक है सर, ये हमारे पास है. तो सीधी सी बात है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये मान लिया कि 10 मैन का मतलब ए कंप्लीट इन 12 days. यस और नो? ए टीम और बी टीम फिनिश इन 6 days, है ना भाई? ए टीम 12 days में, बी टीम 6 days में. तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में? तो वो हमारे पास फॉर्मूला आ गया xy/x + y. तो 12 + 6 कितना होता है? 18. 6 से कितना होगा? 3. 3 से कितना होगा? 4. तो आंसर क्या आ गया? 4 days. सर क्लियर है? जी सर. गुड. एक क्वेश्चन और देख लो सर. चलो चलिए सर ये बताइए जल्दी से. आपसे कह रहा है ए बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36, बी सी कैन डू इट इन 60, ए सी कैन डू इन 45, सी अलोन कैन डू इट इन. यहां सबसे पहले आपको जो निकालना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी निकालना पड़ेगा. तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, कुछ पता है सबको? ये हमारे पास आएगा. तो अब हम क्या कर सकते हैं,
कैंसिल करिए 9, 36 और 60 और 45, 9 कॉमन, ठीक है? तो 9 4 जा 9 से, फिर हमारे पास 60 तो कॉमन नहीं आएगा, 60 को छोड़िए, 45 को लेते हैं, तो 9 5 जा और 9 5 जा, और फिर हमारे पास रह गया 60 60 60 36, तो 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 10 और ये आएगा 10 और ये आएगा 6, तो ये हमारे पास आ गया। तो ऊपर से हमारे पास क्या आ गया, 9 से कैंसिल करिए 5, 6 से कैंसिल करिए 6, और नीचे क्या आ गया 40 और 50 90 और 30 120, तो 120 को 60 से कैंसिल कर दीजिए 2 और 2 से कैंसिल कर दीजिए 3, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 3 2 6 5 30। हाँ भाई, तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं जी, तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 30 डेज में। लेकिन हमें निकालना है सी अलोन, तो सी अलोन निकालने के लिए ए बी को माइनस करना पड़ेगा, किसको माइनस करना पड़ेगा, तो ए बी के लिए कितना है 36, तो सी क्या होगा, ऊपर तो आना है एलसीएम 36 into 30 और नीचे आना है माइनस 36 minus 30, तो 36 minus 36 होता है, 6 से 6 जाएगा, 630 कितना आएगा, 180। आंसर कौन सा है, ऑप्शन सेकंड वाला, 180 डेज। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। जी तो आज पिछली बार हमने सारे क्वेश्चंस करे थे, जब हम वो कर रहे थे कि 2 men फिनिश इन इतने दिन और 10 men कितने दिन में करेंगे, तो जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको m1d1h1 upon w1 m2d2h2 upon w2, तो उस पे बेस थे, और आज ये ABC पे है। तो आई थिंक ये पूरी वर्कशीट अब आपके पास हो जानी चाहिए अगर आप कोशिश कर लें तो, और मैंने लिंक मैं भी भेज दूंगा आपको, तो कल मैंने पीजी वाला तो डाला, यूजी वाला इंशाल्लाह आज कोशिश करूंगा, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, ठीक है सर? एवरेज करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और एवरेज कोशिश करेंगे कि सेकंड्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करें। अस्सलाम वालेकुम।